इंदौर में रह रहे उत्तर प्रदेश के लोगों से सांसद शंकर लालवानी ने संवाद किया और प्रदेश की विकास के विषय पर समीकरण तैयार किया। इंदौर में उत्तर प्रदेश के करीबन 1 लाख से अधिक लोग विभिन्न कार्यों से जुड़े हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सहित अन्य 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होना है, लेकिन इन सभी चुनावों में उत्तर प्रदेश के चुनाव का समीकरण देश की राजनीति में अहम रोल निभाती है, इसलिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने चुनावी माहौल को देखते हुए उत्तर प्रदेश को लोगों को जोड़ने की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश से जुड़े करीब 1 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा और मोदी सरकार के विकास कार्यों के विषय में बताएंगे। सांसद शंकर लालवानी का कहना था कि शहर में कई कार्यों में उत्तर प्रदेश के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यह अलग अलग है। उन्हें एकत्रित कर उनसे जुड़े लोगों से उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। देखिए, अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत है। हम तो चाहते हैं विकास में जो जो साथ दें उनका स्वागत है। डॉक्टर कितने होंगे इंदौर में? होंगे 30-40 हजार लोग ऐसे जो अलग अलग क्षेत्रों में, लाख के ऊपर होंगे, लाख के ऊपर उत्तर प्रदेश से। जी बिल्कुल, ये एक्चुअली सब लोग बिखरे हुए हैं, तो ये अब आज जो एक शुरुआत हुई है, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों के जितने लोग होंगे उनके बारे में बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन से, क्योंकि ये संगठित नहीं है, तो ये पहली बार ऐसा मौका आया जब यूपी के लोग जो यहाँ आए वो संगठित होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। विकास को लेकर अन्य लोगों से भी चर्चा की जाएगी ताकि विकास के रथ पर उत्तर प्रदेश सवार हो और योगी जी फिर एक बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।